हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार दोबारा स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल टाइगर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमेशा की तरह। इस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टाग्राम। दोस्तों, आज मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। आप जो इंस्टाग्राम पर चैट्स करते हो वो आपसे डिलीट हो जाते हैं और आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैट्स होते हैं, तो आप उनको कैसे रिकवर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आप अपने इंस्टाग्राम के डिलीट चैट्स को कैसे रिकवर कर सकते हो, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो इसकी हिम्मत करना, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर अपना जो है इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ चैट्स पर जाके। जैसे कि मैंने काफ़ी लोगों से चैट्स कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी दूसरी आईडी जो मैंने ओपन कर रखी है, यहाँ पर मैं इसको मैसेज करता हूँ। कुछ भी मैसेज कर देता हूँ यहाँ पर, जो भी है, ये जो मैंने मैसेज यहाँ पे भेज दिए। मैसेज भेजने के बाद मैं यहाँ पे इनको अनसेंड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से अनसेंड कर दिए इस तरीके से। अब दोस्तों, मेरे को अपने चैट्स जो हैं सारे रिकवर करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा, आपको क्या करना है उसके लिए आपको जाना है बैक। बैक जाने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ पर इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है थ्री डॉट का, तो आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। थ्री डॉट पे टैप करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा है सेटिंग्स, अर्चीव, व्यूअर एक्टिविटी, क्यूआर कोड, सेव्ड, डिजिटल कोलिविटल्स, क्लोज फ्रेंड्स, फेवरेट्स। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है अपनी यूअर एक्टिविटी पे। यूअर एक्टिविटी पे जाने के बाद यहाँ पे इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है वन प्लेस टू मैनेजर योर एक्टिविटी, सॉरी मैनेज योर एक्टिविटी। अब यहाँ पे लिखा है टाइम स्पेंड, फोटो एंड वीडियोस, इंट्रिकेशंस, अकाउंट हिस्ट्री, रिसेंट सर्च, लिंक, यू वी विजिट, अचीव्ड, रिसेंट डिलीट, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, आपको अपने चैट्स जो हैं रिकवर करने हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ आप चैट्स क्या, आप अपनी सारी पोस्ट भी रिकवर कर सकते हो। जो आपने पोस्ट डाल रखी हैं और आपने जो चैट्स करे हैं वो सारे रिकवर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जाना है डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पे। डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे जाना है रिक्वेस्ट डाउनलोड। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा रहा है गेट अ कॉपी ऑफ व्हाट यू वी शेयर और इंस्टाग्राम। तो मैं आपको बताता हूँ, विल ईमेल यू अ लिंक टू अ फाइल विथ योर फोटोज, कमेंट्स, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन एंड मोर। इट माई मे टेक अप टू 14 डेज टू कलेक्ट दिस डाटा एंड सेंड इट टू यू। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम से आपकी कोई ईमेल लिंक होगी तो आप वो इसके अंदर डाल सकते हो, अदरवाइज़ कोई लिंक नहीं है तो आप बाहर से भी कोई ईमेल इसके अंदर डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दी है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ये आ रखी है क्योंकि मैंने यही डाल रखी है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ रिक्वेस्ट डाउनलोड। रिक्वेस्ट डाउनलोड के बाद आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको अपने इंस्टाग्राम का जो है पासवर्ड यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा रहा है डाउनलोड रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे लिखा है वी स्टार्टेड क्रिएटिंग अ फाइल ऑफ थिंग्स यू वी शेयर ऑन इंस्टाग्राम एंड विल ईमेल अ लिंक टू वाई, जो मेरी ईमेल है, इट मी टेक अप टू 14 डेज टू कलेक्ट दिस डाटा एंड सेंड इट टू यू, रिमेंबर टू चेक यूर स्पैम इनबॉक्स इफ़ यू डू नॉट सी इट। अब दोस्तों, यहाँ पे लिखा रहा है आप, जैसे कि जो आपका डाउनलोड डाटा है जो सारा इंस्टाग्राम का, आप उसको 14 डेज में कलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी लोगों का जो है 48 आवर्स में आ जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है, वो भी यहाँ पे जल्दी आ जाए। जैसे ही आपकी कोई पुरानी आईडी है, काफ़ी पुराने चैट्स हैं, तो सारे वो भी आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको डन करता हूँ। डन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है बैक। बैक जाने के बाद मैं यहाँ पर अपनी ई मेल लॉगिन कर लेता हूँ, उस पर एक लिंक आया हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से अपनी ई मेल लॉगिन कर लेता हूँ। ई मेल लॉगिन करने के बाद दोस्तों, देखो मेरे पास जो है यहाँ पर लिंक आ गया है इंस्टाग्राम से। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा रहा है यूर इंस्टाग्राम इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा रहा है हेयर इज़ दी फाइल यू रिक्वेस्ट विथ दी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू अकाउंट मिस्टर किंग 98776। दिस लिंक विल ओनली 4 डेज आफ्टर वी सेंड इट बिकॉज इट मे
कॉन्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन वी स्वेयर टू कीप द लिंक प्राइवेट एंड ओनली डाउनलोड द फाइल टू योर ओनर कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो ये लिंक आपको भेजा गया है ये 4 दिन तक एक्टिव रहता है, 4 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, तो मैं डाउनलोड इन्फॉर्मेशन में क्लिक करता हूँ। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी जो है आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउज़र के अंदर। ये आपको करनी पड़ेगी लॉगिन। यहाँ पे जो है मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक नोटिस आएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके का, वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये जो है लॉगिन हो रही है। और दोस्तों ये देखो यहाँ पे लिखा रहा है नोट नाउ, करता हूँ मैं यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा रहा है लॉग इन टू गेट योर फाइल, यहाँ पे लिखा रहा है प्लीज़ लॉग इन अगेन। तो मैं यहाँ पे लॉग इन इसको दोबारा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा पासवर्ड डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे फिर इसको लॉग इन करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ नोट नाउ। नोट नाउ करने का दोस्तों यहाँ पे लिखा गया डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। हाँ दोस्तों यहाँ पे लिखा रहा है योर इंस्टाग्राम इन्फॉर्मेशन, हियर इज द फाइल यू रिक्वेस्ट विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट यू अकाउंट मिस्टर किंग 9876। तो यहाँ पे लिखा रहा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है डाउनलोड फाइल हो चुकी है मेरी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डिटेल में। डिटेल में जानने के बाद दोस्तों देखो, और दोस्तों मेरा जो डाटा है पूरा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो मैं ऐसे इसको ओपन कर लेता हूँ, इस पर टैप करता हूँ। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे लिखा रहा है आप किसके अंदर इसको ओपन करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसको WPS कॉन्फर्मेशन में, इस पर मैं ओपन करता हूँ। और दोस्तों देखो मेरी फाइल्स, मीडिया, मैसेज, ऐप्स एंड वेबसाइट्स, ऑटो फिल इन्फॉर्मेशन, अवतार स्टोर, डिजिटल वॉलेट, शॉपिंग इवेंट्स, यहाँ पे जो है मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। हाँ दोस्तों ये देखो पर्सनल मैसेज जो भी है मेरे सारे यहाँ पे आ चुके हैं। फाइल्स वगैरह, मीडिया वगैरह जो मैंने पोस्ट किए हैं, जिनसे मैंने मैसेज किए हैं, जो डिलीट किए हैं, वो सारे यहाँ पर जो है आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने डिलीट मैसेज को रिकवर कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम के अंदर से। हाँ दोस्तों आपको इस तरीके से अपने डिलीट मैसेज रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा।